हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इक्विवेलेंट मास। बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि नॉर्मेलिटी पर बेस्ड जो भी कैलकुलेशंस हैं उन सब का बेसिक है हमारा इक्विवेलेंट मास। नॉट ओनली फॉर 11th क्लास, फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स आल्सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज इक्विवेलेंट मास। सो द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट कंबाइंस विथ और विच डिस्प्लेसेस द वन पार्ट हाइड्रोजन और 8 पार्ट ऑक्सीजन और 35.5 पार्ट Cl। ठीक है, ये डेफिनेशन है हमारे इक्विवेलेंट मास की। किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास क्या होता है? तो किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट जो कि या तो वन पार्ट हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाए या इसको इसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दे, या हमारे पास यदि हाइड्रोजन नहीं है ऑक्सीजन ले लीजिए, कि किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट जो 8 पार्ट ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाए या 8 पार्ट ऑक्सीजन उसके कंपाउंड में से हटा दे, डिस्प्लेस कर दे। इन द सेम वे यदि आपके पास हाइड्रोजन भी नहीं है ऑक्सीजन भी नहीं है देन यू कैन टेक Cl। तो किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट वो मास जो कि 35.5 पार्ट क्लोरीन से कंबाइन हो जाए या इतने ही अमाउंट की क्लोरीन को उसके कंपाउंड में से हटा दे, डिस्प्लेस कर दे, तो सब्सटेंस का वो जो अमाउंट है वो इक्विवेलेंट मास कहलाता है। अब देखिए, इसी से रिलेटेड टर्म है ग्राम इक्विवेलेंट मास। यदि मैं इस पार्ट की जगह ग्राम्स लिख देती हूँ तो हमारा डेफिनेशन बन जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट मास के लिए। क्या बोलेंगे आप? कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम्स दैट कंबाइंस विथ और डिस्प्लेसेस वन, नाउ इट इज़ 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम Cl। सो दिस इज अबाउट द इक्विवेलेंट मास एंड ग्राम इक्विवेलेंट मास। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम किसी सब्सटेंस का ग्राम इक्विवेलेंट मास? आपको इसको लर्न करने का ज़रूरत नहीं है, कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको दे रही हूँ जिसके हेल्प से आप किसी भी गिवन सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास फाइंड कर पाएंगे। चलिए अब सीखते हैं इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड किया जाता है। स्टार्ट करेंगे एलिमेंट के साथ में। यदि गिवन सब्सटेंस हमारा एलिमेंट है, आपने कुछ नहीं करना है, उसका इक्विवेलेंट मास यदि आप फाइंड करना चाहते हैं एटॉमिक मास को उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई वांट टू फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम मेटल, है ना, सोडियम एक एलिमेंट है, इसका मुझे इक्विवेलेंट मास यदि फाइंड करना है, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, तो आप लिख देंगे 23 और इसकी वैलेंसी, वैलेंसी मतलब ये कितने बॉन्ड बनाता है, तो सोडियम हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, सो 23 इज डिवाइडेड बाय 1, यू विल गेट द आंसर 23, मींस 23 इक्विवेलेंट मास हो गया हमारे सोडियम के लिए। चलिए नेक्स्ट, मान लीजिए मुझे ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और इसकी वैलेंसी होती है 2, तो जब आप 16 को 2 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट द आंसर 8, तो ऑक्सीजन के लिए ग्राम इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 8। तो ऐसे किसी भी गिवन सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट मास है वो आप फाइंड कर सकते हैं यदि एलिमेंट है एटॉमिक मास को वैलेंसी से डिवाइड कर दीजिए। हाइड्रोजन के लिए भी आप फाइंड कर सकते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, वैलेंसी होती है 1, यू विल गेट द आंसर 1, सो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास हो गया 1। फॉर एसिड्स, यदि गिवन सब्सटेंस एसिड है तो एसिड्स के लिए फॉर्मूला बनेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एच प्लस आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 एसिड मॉलिक्यूल। एक एसिड मॉलिक्यूल जितने H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है बस उससे आप उसके मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दीजिएगा, यू विल गेट द इक्विवेलेंट मास।
कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl, HCl का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लीजिए, वो होता है 36.5 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि HCl एक ही H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, वही अकेला हाइड्रोजन है इसके पास में. तो हमारे HCl का इक्विवेलेंट मास आएगा 36.5, मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम है. एक और एसिड लेते हैं, वन मोर एसिड, दैट इज H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड का यदि हमको इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है, सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लीजिए. मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का होता है 98, है ना. आप कैलकुलेट करके देखिएगा, 2 ऑफ हाइड्रोजन सल्फर का, 32 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन का मास आप प्लस करेंगे, जब हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन प्लस करके यू विल गेट 98 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 2. व्हाई? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस 2H प्लस आयंस. ओके, सो 98 डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट द आंसर 49, राइट. देख लीजिए. ओके, सो दस यू कैन कैलकुलेट विद दिस फॉर्मूला, यू कैन कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड. गिवन सब्सटेंस बेस है तो फॉर्मूला लगाएंगे आप, इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ OH आयंस प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल. बेस के एक मॉलिक्यूल से जितने OH माइनस आयंस प्रोड्यूस होते हैं, बस वो आप काउंट कर लीजिएगा, उसके मॉलिक्यूलर मास को उन नंबर से आप डिवाइड कर दीजिएगा, यू विल गेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस. मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ OH माइनस आयंस प्रोड्यूस्ड बाय वन बेस मॉलिक्यूल. चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग द बेस, वेरी कॉमन NaOH है ना, हम सब जानते हैं इसको, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का. यदि मुझे इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है, सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लीजिए, 23 प्लस 16 प्लस 1, यू विल गेट द आंसर 40. तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास होता है 40. कितने OH आयन प्रोड्यूस करता है इसका एक मॉलिक्यूल? 1. So divided with 1, you will get the answer 40. So the 40 is the equivalent mass of NaOH, right? चलिए एक और कैलकुलेट करते हैं. मान लीजिए मुझे जो बेस दिया गया है, जो सब्सटेंस दिया गया है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है. कैल्शियम का मास होता है 40, ऑक्सीजन का मास होता है 16, हाइड्रोजन का मास होता है 1. इन सबको यदि आप कैलकुलेट करेंगे, 40 प्लस ऑक्सीजन का मास प्लस हाइड्रोजन का मास, एंड डबल भी करना है साथ में इसको, यू विल गेट द टोटल, यू विल गेट द आंसर, दैट इज 74. 40 प्लस ऑक्सीजन 2, यस, यू विल गेट द आंसर 74. 74 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड एक मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस होंगे 2 OH माइनस आयंस. जब भी आप इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डिसोशिएट करेंगे ना, या ये किसी रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करेगा, इट विल गिव यू कैल्शियम आयन प्लस इट विल गिव यू 2 OH आयंस, 2 हाइड्रोक्सिल आयंस. सो नंबर ऑफ OH आयंस हो गए यहाँ पर 2, मतलब हमको इस 74 को डिवाइड करना है 2 से, एंड यू विल गेट, आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट द आंसर 37. सही है? सो 37 इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए आप ट्राई करिएगा. एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है AlOH का होल थ्राइस, तो ट्राई करिएगा. आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइएगा. सवाल आता है, यदि हमारा सब्सटेंस एलिमेंट भी नहीं है, एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है, तो क्या हो सकता है?
सॉल्ट हो सकता है। तो यदि गिवन सब्सटेंस सॉल्ट है, कैसे आप इसका इक्विवेलेंट मास फाइंड करेंगे? फॉर्मूला वही है, इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय, कोई एक पार्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्जेस और टोटल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो या तो पॉजिटिव चार्ज ले लीजिएगा टोटल, या तो नेगेटिव चार्ज ले लीजिएगा टोटल, बस मॉलिक्यूलर मास को उससे डिवाइड कर दीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग अ सॉल्ट NaCl, सबसे कॉमन सॉल्ट है हमारा, बोलते ही कॉमन सॉल्ट है। तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लीजिए, ये होता है 58.5, सोडियम का मास 23, क्लोरीन का मास 35.5, आप प्लस करके देखिएगा, यू विल गेट द आंसर 58.5। देख लीजिए, इसका पॉजिटिव पार्ट है सोडियम, नेगेटिव पार्ट है Cl, तो कोई भी एक पार्ट सेलेक्ट कर लीजिए। कितने पॉजिटिव चार्जेस हैं? एक ही पॉजिटिव चार्ज है, चलिए डिवाइड कर दीजिए, एक ही नेगेटिव चार्ज भी है। सो डिवाइड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट विथ आइदर टोटल पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट ऑन कैटायनिक पार्ट और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट ऑन एनायनिक पार्ट। सो यू विल गेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl इज 58.5। इसका मॉलिक्यूलर मास भी यही है और इसका इक्विवेलेंट मास भी यही है। कोई और सॉल्ट ले लीजिए, इसके अलावा क्या सॉल्ट ले सकते हैं? अब आप ट्राई करिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग द सॉल्ट, चलिए ऐसे ही सा कुछ सॉल्ट ले लेते हैं, CaCl2। कैल्शियम का मास हो गया 40 और 2 Cl का मास कितना आएगा? 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 यू विल गेट, जब आप प्लस कर देंगे ना तो ये हो जाएगा 71, ये हो जाएगा 40, यू विल गेट द आंसर 40 प्लस 71, यू विल गेट द आंसर 111, 101। ओके, नाउ पॉजिटिव चार्ज कितने हैं टोटल? तो देखिए बेटा, कैल्शियम पर होते हैं 2 पॉजिटिव चार्ज, या आप Cl सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 Cl है, एक Cl पर एक नेगेटिव, 2 Cl पर 2 नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज 2 हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 हैं, कोई भी एक ले लीजिए। सो 111 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आप बताइएगा मुझे। तो इस तरीके से आप किसी भी गिवन सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला।